हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस माय नेम इज विवेक एंड यू वाचिंग वीके प्रैक्टिकल्स चैनल। तो गाइस मैं भी एक कोलंबस कॉलेज का ही स्टूडेंट हूँ और कोलंबस कॉलेज के स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं कोलंबस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इसी पे आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। गाइस मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं भी ये सारे प्रॉब्लम्स फेस कर चुका हूँ। तो गाइस मैं एक रियल वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ और स्टूडेंट का जितना भी क्वेरी होता है कोलंबस कॉलेज से रिलेटेड वो सारे डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। तो गाइस अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो गाइस आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं गाइस सेमेस्टर थर्ड में जो एडमिशन प्रोसेस होता है, कैसे हम लोग एडमिशन का पेमेंट करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। तो वही प्रोसेस आज हम लोग जानेंगे, सेमेस्टर थर्ड का क्या प्रोसेस होता है एडमिशन लेने का, उसमें कितना पेमेंट लगता है, बॉयज और गर्ल्स का अलग पेमेंट होता है या फिर एक ही पेमेंट लगता है, ठीक है, मतलब दोनों का फी स्ट्रक्चर क्या होता है वो सारा कुछ देखेंगे, कैसे वेबसाइट से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही या फिर लैपटॉप से भी, ठीक है, और कैसे हम लोग अपना पीडीएफ जनरेट करते हैं अपना जो फी स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोग कोलंबस के स्टूडेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और चलिए अपने स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ कोलंबस कॉलेज के वेबसाइट में और आप लोग साथ साथ मुझे फॉलो कीजिएगा स्क्रीन पे जो प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस सेमेस्टर थर्ड का, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग कोलंबस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं। कोलंबस कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है गाइस stcz@zb.ac.in। आप लोग साथ कोलंबस कॉलेज लिख करके सर्च कीजिएगा तो आपके सामने पहला जो वेबसाइट आएगा, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, ये जो पहला वेबसाइट आया यही कोलंबस कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी में आप लोगों को फर्स्ट टाइम जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाने के बाद आप लोगों को यहीं से सारा जो एडमिशन प्रोसेस होता है, एडमिशन का फी पेमेंट, उसके बाद बोनाफाइड जनरेशन, बोनाफाइड डाउनलोड, सारा कुछ आपका सारा काम यहीं से होगा कोलंबस कॉलेज के इसी वेबसाइट से। तो गाइज अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं जानते हो तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है वीडियो, वहां पे जाकर के देख लीजिएगा। तो गाइज यहां पे देखिए कोलंबस कॉलेज का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और जब स्टूडेंट का न्यू एडमिशन होकर के वो आते हैं तो फर्स्ट टाइम उनको चांसलर पोर्टल में जो फी लगता है, ठीक है, उसके बाद उनका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आता है, उसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट में उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और यहीं से सारा काम जो है कॉलेज का होता है, उनका बोनाफाइड जनरेशन और जितने भी एडमिशन प्रोसेस है फी पेमेंट वो। तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कोलंबस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, फिर यहाँ पे देखिए लॉगिन पोर्टल है, लॉगिन पोर्टल पे आप लोगों को क्लिक करना है और आप लोगों को अपने प्रोफाइल पे जाना है, ठीक है। अपने प्रोफाइल पे जाने के लिए अपना ईमेल, जो भी ईमेल है और जो भी आपका पासवर्ड था रजिस्ट्रेशन के टाइम पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डाल लेना है। इस तरह से आपका जो है ईमेल क्या बोलते हैं आपका ओपन हो जाएगा प्रोफाइल। गाइज मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, लॉगिन का प्रोसेस सारा पता है, ठीक है। नहीं पता है तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन का, लॉगिन का सारा, ठीक है। आज मैं केवल एडमिशन प्रोसेस पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपने प्रोफाइल पे आ जाना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल पे आने के बाद आप लोगों को सेमेस्टर थर्ड का मान लीजिए एडमिशन फी पेमेंट करना है, उसका स्लिप निकालना है, तो वो कैसे करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्रोफाइल यहाँ पे आ जाने के बाद आपका जो भी नाम वगैरह होगा सारे डिटेल आ जाएगा यहाँ पे, लॉगिन कीजिएगा तो आपका प्रोफाइल, रोल नंबर, सारा सेशन वगैरह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो थ्री लाइन्स दिख रहे हैं राइट लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद मान लीजिए आप सेमेस्टर थर्ड में हैं, आपको फी पेमेंट करना है तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए फी पैनल और ट्रांसलेशन दिख रहा होगा ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे फी पैनल पे क्लिक करना है और फी पैनल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ध्यान देना है गाइस जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के सामने दो ऑप्शन आएंगे, दो ऑप्शन क्या है ये देखिए, यहाँ पे बी ए सेमेस्टर फाइव ज्योग्राफी कोर फॉर बॉयज, ठीक है, यानी कि इनका जो प्रोफाइल है ये सेमेस्टर फाइव की है इसलिए इनका सेमेस्टर फाइव लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है, आप लोग सेम थर्ड के होंगे तो सेमेस्टर थर्ड लिखा हुआ आएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने दो ऑप्शन आए हैं, ठीक है, सेमेस्टर फाइव ज्योग्राफी कोर गर्ल्स और बॉयज, दो ऑप्शन है। अगर आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग बॉयज हैं तो आप लोगों को बॉयज वाला पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च में क्लिक करना है और अगर आप लोग गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए इनका प्रोफाइल ये है गर्ल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए गर्ल्स लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने ये देखिए इनका जो है फी कितना लग रहा है, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे फी कितना लगेगा वो सारा डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए 1076 रुपीज लग रहा है अमाउंट इनका एडमिशन फी में, ठीक है, सेम फाइव का है इसलिए सेम फाइव का दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग यहाँ पे बॉयज है तो बॉयज पे क्लिक कर लीजिएगा, अगर यहाँ पे गर्ल्स है देखिए यहाँ पे गर्ल्स है तो गर्ल्स पे सर्च कीजिएगा तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे फी पेमेंट का आ जाएगा। इसको अगर डेस्कटॉप मोड में करते हैं गाइस तो और अच्छे से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, ये देखिए
यहाँ पे देखिए 1076 रुपया लिखा हुआ है अमाउंट, और यहाँ पे नाउ लिखा हुआ है, ठीक है। पे नाउ का ऑप्शन यहाँ पे जैसा दिखा रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लोगों को फी पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप लोग पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है ये देखिए आपका जो है पेमेंट का मतलब फी स्ट्रक्चर आ जाएगा, कितना कितना फी लग रहा है। देखिए एडमिशन फी, ट्यूशन फी, कॉलेज एग्जामिनेशन फी, प्रैक्टिकल, लाइब्रेरी, अदर्स, तो टोटल यहाँ पे 1076 रुपीज लग रहे हैं, ठीक है। ये गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए अलग होगा, ठीक है। बॉयज का आई थिंक 1268 रुपया लगता है, ये सेम 5 का है। अगर आप लोग सेम 3 के हैं तो सेम 3 का आपका यहाँ पे शो करेगा आपका टोटल अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट टू पे लिखा हुआ है, तो रिक्वेस्ट टू पे क्लिक कीजिएगा तो वहां पे आपका जो है ये ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का। यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो भी है आप लोगों का वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नेट बैंकिंग वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अपना सारा यहाँ पे डिटेल फिल करना है और पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएगा, मतलब आपका एडमिशन फी पेमेंट हो चुका है। तो गाइस हम लोग बैक चलते हैं, ठीक है, बैक करते हैं और आपका एडमिशन फी पेमेंट हो चुका है इस तरह से। अब देखते हैं हम लोग कहाँ से हम लोग देखें कि अपना एडमिशन फी पेमेंट हुआ है हमारा या नहीं। तो यहाँ से आप लोगों को बैक करना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे गाइस ऑप्शन है ट्रांसकेशन, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन में आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। ट्रांजेक्शन में आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा डिटेल आ जाएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से सेमेस्टर्स में कितने कितने पेमेंट किए थे, वो सारा आप लोग पीडीएफ फॉर्म में जनरेट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा इनका जो है यहाँ पे देखिए इन्होंने 2 बार ट्राई किया था सेमेस्टर 5 में पेमेंट करने का, तो पहला जो है वो सक्सेसफुल है और एक रिट्राई लिखा हुआ है। तो आपका पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे सक्सेस दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा स्टेटस पे। और यहाँ पे आप लोग जो आई बना हुआ है, ठीक है, आंख बना हुआ है, इस पे अगर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है इस तरह से पीडीएफ ये जनरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सारे डिटेल दिया हुआ रहेगा कि आपका पेमेंट पेड हो चुका है, ठीक है। रेफरेंस आईडी वगैरह दिया हुआ होगा और आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो यहाँ पे जनरेट पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा। तो जनरेट पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने आपका जो है पीडीएफ जनरेट होकर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपके मोबाइल में फिर सेव कर लीजिएगा पीडीएफ और उसे चाहे तो निकाल भी सकते हो, लेकिन इसका अभी कोई दाम वैसा नहीं होता। तो ये था गाइस एडमिशन प्रोसेस जो होता है, एडमिशन फी पेमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं सन कोलंबा कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट में, कैसे हम लोग को करना होता है। गाइस सेमेस्टर 3rd से जनरली ये स्टार्ट हो जाता है, सेम 3rd से आप लोगों को खुद से पेमेंट करना होगा, जिस सेमेस्टर 3rd में, फिर सेमेस्टर 5 में, ठीक है। तो इस तरह से आपको खुद से पेमेंट करना होगा और इजी प्रोसेस है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ गाइस बाय बाय।